सनी देओल की फिल्म ब्लैंक पर्दे पर रिलीज हो गई है। इस मूवी से डिंपल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। बेहजात खम्बाता के निर्देशन में बनी ब्लैंक में करणवीर शर्मा और इशिता दत्ता भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। ब्लैंक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सनी देओल ATS ऑफिसर और करण कपाड़िया सुसाइड बॉम्बर के रोल में नजर आ रहे हैं। कम बजट की फिल्म का जोरदार प्रमोशन नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी ब्लैंक बड़े पर्दे पर छाई हुई है। बता दें कि सनी देओल की मौजूदगी के बावजूद ब्लैंक को लेकर ज्यादा बज नहीं बना है, पर थोड़ा बहुत जो बज बना है वो सनी देओल के राजनीति में आने की वजह से है। भाई बता दें कि ब्लैंक का बजट 12 करोड़ का है और इस मूवी ने पहले ही दिन में 3 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके बाद शनिवार को इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए और वहीं रविवार को भी इस मूवी ने 3 करोड़ रुपए कमाए, जिसके बाद आज भी फिल्म ने सुबह से लेके अब तक 1.5 करोड़ की कमाई कर ली है। पर अभी तो शाम होना बाकी है और फिल्म का नया जादू देखना भी बाकी है। अब देखना होगा कि शाम तक ये फिल्म कितना कमा पाती है और कितना नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।